भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पक्ष में चैटिंग करना एक युवक को पड़ा महंगा। नगर थाना की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया युवक वीरेंद्र कुमार कौवाकोल थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव निवासी दरोगा राय का पुत्र है। उसे नवादा नगर के मिर्जापुर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। वहीं हिंदू संगठन ने इसे प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई बताते हुए आपत्ति जताई है। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तार युवक ने किसी के साथ शर्मा के पक्ष में चैटिंग कर रही थी। बाद में उस शख्स ने एक बड़े आला अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अधिकारी ने कार्रवाई करने का आदेश दे डाला। आला अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। इधर हिंदू नेता जितेंद्र प्रताप जीतू ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नवादा शहर में नूपुर शर्मा के विरोध में बगैर अनुमति जुलूस निकाला गया, सड़क जाम किया गया, आग जनी की गई, पुलिस पदाधिकारियों से धक्का मुक्की की गई, लेकिन उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं नूपुर शर्मा के समर्थन में सिर्फ चैटिंग करने पर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाती है, यह सरासर गलत है। इस मामले पर नगर थाना प्रभारी ने बताया कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। क्या मामले में आया? मामले है कि मैंने नूपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट डाला था फेसबुक पर, उसे मधेपुरा का कोई अप्रोच नहीं आया, उसने मतलब नवादा मतलब कॉल करके एफ आई आर करवाया था, उसी मामले में जा रहे हैं। क्या नाम था? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।